हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओके टू लर्न। वी आर बैक अगेन विद सम सिंपल ट्रिक्स जो आपकी मुश्किल कैलकुलेशंस को इजी कर देंगी। तो आज हमारे पास ट्रिक है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की। अगर 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 निकालना है तो इसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस ट्रिक का हम यूज करेंगे और इजीली आंसर निकालेंगे। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको याद होने चाहिए स्क्वेयर्स, जो कि यह बेसिक चीज कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हर किसी को स्क्वेयर्स याद कर लेने चाहिए। तो वही 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 ट्रिक के थ्रू हमें निकालना है, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत इजी है, इजी कंसेप्ट है, इजी ट्रिक है। 12 का स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 13। मैंने सीधा यहां लिखा 12 का स्क्वायर, उसमें ऐड किए 12, जब 144 में 12 ऐड किया तो आया 156। यही इसका आंसर है। इसी तरीके से देखते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। 15 का स्क्वायर प्लस 15 125 प्लस 15 140, यही इसका आंसर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाय 26। तो मैंने यहां लिखा 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर मुझे याद है 625, जिसमें मैंने 25 ऐड किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया 650। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 35 मल्टीप्लाइड बाय 36 का। तो सीधा मैं यहां लिखूंगा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर मैंने यहां पे लिखा 1225। 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है उसके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है जो आप देख सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 35 को और आंसर आ गया 1260। तो 35 इंटू 36 पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर याद करो, ऐड करो, आंसर आ